घुटनों में दर्द हो रहा है, दवाई भसक्का भसक्का भर भर के खाते रहो, थोड़ी बहुत देर के लिए दर्द बंद होगा। एक बात मैं आज और निवेदन करूंगा, आज मैंने सुबह भी एक कार्यक्रम में इस बात का निवेदन किया है, अपनी दवाइयां कम कीजिए। आपके कमरे भरे पड़े हैं दवाई से, पहले डॉक्टर ने 10 कैप्सूल लिखे, गोलियां लिखी, फिर 15, फिर 20, एक किडनी फेल होने की व्यवस्थाएं हो रही हैं, सब अंदर का तंत्र खत्म हो जाएगा। दवाइयों को कम करते करते इन्हें छोड़ दीजिएगा। दवाइयां कैसे छूटेंगी मैं आपको निवेदन कर देता हूं। भोर में जल्दी जागिए, थोड़ा सा घूमिए, खुले आकाश का दर्शन कीजिए, पानी में रात्रि को त्रिफला चूर्ण डालिए, सुबह गर्म करके उसको पीजिए। त्रिफला चूर्ण वाले पानी से आंख बंद करके अपने चेहरे को अपने मुख को धोइए। घुटनों में आपके में दर्द होता है, आज से ही थोड़ा सा मखाना लेना आप आरंभ कर दें, घास के ऊपर चलना सीखें, रात्रि को सोने से पहले बाथरूम जाएं, रात को सोने से कम 100 कदम घूम करके आप सोइए, ना आपकी डायबिटीज बढ़ेगी, ना आपकी कमर में दर्द होगा, ना आपको कहीं चक्कर आएंगे, ना आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप दवाइयों से ठीक होना चाहते हो, ठीक तो नहीं हो पाओगे, मरने की तैयारी जरूर हो जाएगी। अभी आपको धरती पर रहना है, अभी आपसे भले काम होने हैं, अभी आपसे अच्छे काम होने हैं। व्यसनों को छोड़िए। कल मेरे पास एक फोन आया था, जवान कोई बच्चा 35-36 साल का, शराब पीते पीते उसका लीवर फेल हो गया, उसको बचने की उम्मीदें टूट रही हैं। क्या उम्र होती है, 33-34-35 साल कोई उम्र होती है कोई, शराब पी करके? तो इन खोटे कामों को छोड़िए, नहीं तो मौत बांट देख रही है। फिर देखिए, आप ये कभी सोचना मत कि वो तो एक दिन मरना ही है, जिसकी मौत आ गई है उसको कौन रोक पाएगा। गरुण पुराण में लिखा है कि 100 बार मौतें ऐसी आती हैं जिनको तुम रोक सकते हो। अभी मैंने श्री गया जी में इस बात को निवेदन किया, उस मृत्यु को आप रोक सकते हो। बिल्कुल दवाई लीजिए, औषधि लीजिए, वो लिमिट में होनी चाहिए। आप भसक्का भर भर के कैप्सूल खा रहे हैं, दवाई लग नहीं रही है तो दवाई 3 गुनी की जा रही है। दवाई इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपके पास पाथे यानी परहेज नहीं है। शादी शुदियों में जाते हैं, मरीज के पेशेंट हैं, गुलाब जामुन 4 सटका देते हैं, बर्फी खींच देंगे, लडुआ खींच दें, गणेश जी के मंदिर में गए, 2 लडुआ सटका दिए, जीभ इतनी चटोरी है मानते हो नहीं कैसे। डायबिटीज बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जीभ इतनी चटोरी है, समोसा खिला दो तुम्हें, चाहे सो चिकना मिल जाए, पापड़ मिल जाए, रूखा मिल जाए, सूखा मिल जाए, भींगा मिल जाए, सड़ा मिल जाए, भूसा मिल जाए, मिल जाए, ऐसा कटर बना रखा है अपने आप को। जो मिले सोई खा लो। मैंने गैया को चाय पिलाई, गौ माता ने चाय नहीं पी, मैंने कुतरिया को चाय पिलाई, उसने चाय नहीं पी। लेकिन इस इंसान को देखिए, इसके सामने जो आ जाए उसी का सूपड़ा साफ कर दे। तो ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब तो डॉक्टर्स लोग भी कहने लगे हैं कि यह ज्यादा दवाइयां आपको और ज्यादा बीमार कर रही हैं। आप स्वस्थ नहीं है कि आप भसक्का भर भर के आप दवाइयां खा रहे हैं। आपके कमरे में घुस जाए तो पूरा का पूरा मेडिसिन सोप दिखाई देता है, लगता है कि मेडिकल की सोप ही आपके कमरे में खुली हुई है। ये आप कर क्या रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप तांबे के पात्र का पानी क्यों नहीं पी रहे हैं आप नीम की पत्तियां क्यों नहीं ले रहे हैं आप। महात्मा चरक ने कहा था, मुझे आश्चर्य है जिस देश में नीम और नींबू दोनों पैदा हैं और उस देश के लोग बीमारी से मर रहे हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, 24 घंटे में 1/4 नींबू पेट में जाना चाहिए। नीम की 5-7 पत्तियां गर्भिणी नारी को छोड़ करके सबके पेट में नीम की पत्तियां रोज जानी चाहिए। मैं रोज लेता हूं, स्वस्थ हूं बिल्कुल। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा बीमारियां इन बहनों को, माताओं को, तुम्हें पता है कि तुम्हारा आदमी क्या हालत हो रही है उसको पैसा कमाने में, और देश की स्थितियां ऐसी हैं कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उससे ज़रा पैसा बीमारियों में जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि खान पान बिगड़ा है, इसलिए ये सब जा रहा है क्योंकि तुम्हारा जागने और सोने का पूरा सिस्टम फेल हो गया। आप में ऐसे कितने लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, आप में ऐसे कितने लोग हैं जो चाय और कॉफी जैसी खतरनाक चीज का अपहरण करते हैं।
अब करते ही नहीं। और मेरा हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे यदि आप ठीक से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो समय से पहले दुनिया छोड़ करके चले जाओगे। और समय से पहले दुनिया छोड़ करके जाना ठीक नहीं। मैंने वेद भगवान को पढ़ा है कि जिस समय लोग अपनी मृत्यु से मौत को प्राप्त होते हैं, देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, आनंद होता है, वहां उत्सव मनाया जाता है। जब व्यक्ति निरोगी होकर मौत को प्राप्त होता है, उस मौत को 101 भी मौत कहते हैं। व्यक्ति अपने सत्कर्म के द्वारा, व्यक्ति अपने पुण्यों के द्वारा, व्यक्ति अपने परिवर्तन के द्वारा 100 बार आने वाली मौत को जीत सकता है। लेकिन जो 101वीं बार की मौत है वो समय पर आती है, उसमें ना दवाई काम देती है, उसमें ना परिवार कोई काम देता, उस मौत को नहीं रोका जा सकता, वो समय की मौत है। समय से लोग, अरे सूर्य भगवान समय से अस्त हो तो ज्यादा ठीक है, 7 बजे डूबने वाला सूर्य 12 बजे डूब जाए तो अबड़ा तबड़ी मच जाएगी। तो इन कथाओं के माध्यम से हमें एक जीवन जीने की बात कही गई है और उसको हम जरूर स्वीकार करें। आप इतने टेंशन में हैं, इतना सोचते रहते हैं कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये ऐसा हो जाएगा, बच्चे छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा। आप ऐसी नकारात्मक बातें सोचते क्यों? एक माई मुझे कहते, बेटा 23 साल का हो गया, शादी करने का मेरा मन नहीं हो रहा उसका। मैंने कहा क्यों? इसलिए कहीं बहू आके ही धक्का ना दे दे। मैंने कहा माँ जी, तुम धक्के के काम करोगे तो प्रकृति तो धक्का देगी, आप ऐसा काम ही मत कीजिएगा। अरे प्यार करने से तो मरखनी भैंस सीधी हो जाती है, तो हर मांस के इंसान है। आप चाहे तो दुनिया को बदल सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा, खुद बदलो पूरी दुनिया बदलेगी, खुद तो बदल करके देखो। आप आचार्य जी के शब्द थे, अपने आप को बदलिए, पूरी सृष्टि बदल जाए। खुद बदलना नहीं चाहते, दुनिया पर आदेश करना चाहते, ये तो ठीक नहीं है।